इस समय माघ मेला क्षेत्र में आप देख सकते हैं मकर संक्रांति का पहला स्नान पर्व है, यहीं से माघ मेले की जो आगाज है वो हो जाएगा। आज से आप देख सकते हैं हमारे सामने किस तरह से यहाँ से भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन मेला क्षेत्र में हो गया है। श्रद्धालु नियमित सुबह से ही संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे किस तरह से संगम बीआरटी घाट में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। लगभग आज जो मकर संक्रांति का स्नान पर्व है इसको लेकर पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जो एक जन सैलाब एक समुदाय है वो देखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोरोना का कहर पूरे प्रयागराज में जारी है उसका असर सीधे सीधे माघ मेले में देखा जा रहा है। जिला प्रशासन माघ मेले के जिला प्रशासन द्वारा भी कोरोना के नियमों का पालन कराते हुए श्रद्धालुओं का मेले क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे रहा है। जिस तरह से अगर जो भी श्रद्धालु अगर मास्क नहीं लगाए तो वो पुलिस प्रशासन उन्हें आगाह कर रही है और मास्क लगाने के लिए निर्देश दे रही है। आप देख सकते हैं इस समय हम बीआरटी घाट में और यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालु धीरे धीरे यहाँ पर संगम जो बीआरटी घाट है जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएगा और मकर संक्रांति के स्नान पर्व की जो पूर्ण जो आस्था की डुबकी होती है पूर्ण की डुबकी तो उसको स्नान करने के बाद दान पुण्य करेंगे। या माघ मेले का पहला स्नान पर्व है, इसके बाद ये माघ मेला पूरे एक माह तक मतलब शिवरात्रि के स्नान तक ये माला माघ मेला चलेगा और यहाँ पे आज से ही कल्पवासियों का जो डेरा है संगम क्षेत्र में वो लग जाएगा। कल्पवासी नियमित हर सुबह गंगा में स्नान करेंगे, शाम को भी स्नान करेंगे और अपने पंडाल अपने शिविर में पूजा अर्चना करके माँ गंगा मैया से आशीर्वाद कामना मनोकामना की कामना करेंगे। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज।